नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं सब बढ़िया एंड फर्स्ट क्लास से होंगे। तो गाइज, आज के इस वीडियो हम बात करेंगे, अगर आप बाइक चलाना सीख रहे हैं तो आपको सबसे पहले कमांड क्या होनी चाहिए। आपको थ्रोटल कंट्रोल करना चाहिए, जो आपका एक्सीलेटर होता है उसका कंट्रोल करना चाहिए। ठीक है, होता क्या है, जब हम बाइक चलाना सीख रहे होते हैं तो हमारा जो है थ्रोटल पर कंट्रोल नहीं होता, एक्सीलेटर पर कंट्रोल नहीं होता है। और जब हम ब्रेक लगाने चाहते हैं तो आपकी क्या होता है कि ब्रेक को तो दबाते हैं पर हमारा एक्सलेटर काम नहीं होता है, एक्सलेटर काम नहीं होता तो हम गिर जाते हैं। ठीक है, तो उसको कंट्रोल करना बताएंगे कि एक्सलेटर को कंट्रोल किस तरह से करना है और फ्रंट ब्रेक को किस तरह से लगाना है। ठीक है, तो उसके बाद पहले मैं एक बार मैं आपको ये प्रैक्टिकल करके बता देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि ऐसे, ठीक है, आप क्या करते हो, एक्सलेटर को इस तरह से देते हो। ठीक है, जैसे ये आपने ब्रेक ऐसे हाथ किया, ये आपका ऐसे फ्रंट ब्रेक पर हाथ रहा आपका, और एक्सीलेटर जैसे आप ऐसे ऐसे करोगे, एक्सीलेटर दोगे आपका, तो हाथ लॉक हो जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं ना, आपकी ब्रेक छूट पाएगी और ना ही आपका एक्सीलेटर छूट पाएगा। और आप जब रोकते टाइम क्या करते हो, इसी तरह से करते हो, जैसे आपको बाइक रोकनी है तो आप क्या करते हो इस तरह से। तो आप देख सकते हो कि मेरा जो है अंगूठा है एक्सीलेटर की तरफ है। ठीक है, एक्सीलेटर मेरा अभी भी दिया हुआ है। ठीक है, तो जब आप बाइक को रोकोगे, एक बार मैं स्टार्ट करके बता देता हूँ आपको कि मैं क्या बोलने जा रहा हूँ। जैसे मेरी अभी बाइक जो है स्टार्ट होगी, तो जैसे ये देख सकते हो कि मैंने ब्रेक लिया हुआ है पर मेरा एक्सीलेटर नहीं छूट पा रहा है, कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, जैसे मैं अभी जैसे ब्रेक लिया है तो मेरा इस तरह से, जब हम स्टार्टिंग पोजीशन में होते हैं हमारा एक्सीलेटर ही हमारे हाथ से नहीं छूट पाता है, तो उससे क्या होता है हमारे एक्सीडेंट के चांस बढ़ जाते हैं और हम गिर जाते हैं। तो अभी हम बताएंगे कि इसको कंट्रोल किस तरह से करना है। तो देखिए, आपको जब भी आपको बाइक को एक्सलेटर कंट्रोल करना है तो आपको क्या करना है, आपके हाथ की पोजीशन इस तरह से होनी चाहिए। जैसे आपको एक्सलेटर देना था हल्का सा, ऐसे जैसे ऐसा है, हल्का सा एक्सलेटर दिया, हल्का सा एक्सलेटर दिया, और ठीक है। और जब आप एक्सलेटर कंट्रोल करना समझ जाओगे तो उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे आपने एक उंगली, जैसे ये वाली, जैसे ये हाथ रखा मैंने, हाथ की पोजीशन इस तरह से होनी चाहिए और फ्रंट उंगली जो है आपकी इस तरह से होनी चाहिए। जैसे आप एक्सलेटर दोगे, ठीक है, आप एक्सलेटर दोगे तो मेरी एक उंगली जो है ऊपर की तरफ चली जाएगी, क्योंकि जब एक्सलेटर देना था तब आपको ब्रेक की जरूरत नहीं पड़ेगी, और जब आपको ब्रेक लेनी है तो अब आपको एक्सलेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे मैंने अभी ब्रेक लेनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, हल्का सा एक्सलेटर छोड़ना पड़ेगा, तो मेरी ऑटोमेटिकली जो उंगली आगे की तरफ चली जाएगी। ठीक है, और उसके बाद जैसे मुझे फिर से बाइक को आगे बढ़ाना है तो मुझे जो है एक्सलेटर लेना है, तो मेरी उंगली जो है ऑटोमेटिकली ऊपर की तरफ चली जाएगी, मैं एक्सलेटर कर रहा हूँ तो मेरी ऊपरी उंगली जो है ऊपर की तरफ चलेगी। और उसके बाद जब से फिर से मुझे ब्रेक लेनी है तो मुझे क्या करना है, एक्सलेटर को छोड़ा और ऐसे ब्रेक ले ली। और उससे क्या होता है कि अगर आप मान लीजिए एक उंगली से आपको फ्रंट ब्रेक लगा रहे हो तो उसमें क्या है, आपके गिरने के चांस जो है कम हो जाते हैं, कि एक उंगली से फ्रंट ब्रेक जो है अच्छी तरह से अप्लाई होती है, आपको पता चलता है कि कितनी ब्रेक को अप्लाई करना है। अगर आप जो है चार उंगली से, जैसे मान लीजिए एक ऐसे ऐसे ब्रेक को अप्लाई करोगे तो आपकी ब्रेक जो आगे वाला टायर जो है लॉक होकर आप गिर सकते हो। ठीक है, अभी मैं आपको एक बार स्टार्ट करके बता देता हूँ कि किस तरह से जो है बाइक को चलाना है। ठीक है, अभी मैंने फर्स्ट गियर में बाइक को चला लिया और मैंने क्या बोला था, मैं देख लीजिए मेरी जो है बाइक एक उंगली से मेरी जो है एक्सीलेटर जो है ब्रेक को मैंने ब्रेक को दबाया हुआ है और बाइक मेरी रुकी है। देखिए, मेरे दोनों पैर जो है ज़मीन पे हैं। ठीक है, मैंने कोई ब्रेक नहीं लगाई, मैंने सिर्फ फ्रंट ब्रेक लगाई है। अभी मुझे बाइक को चलाना है तो मैं क्या करूँगा, हल्का सा एक्सीलेटर दिया, ये देख सकते हो हल्का सा एक्सीलेटर दिया और मेरी उंगली को देख सकते हो मेरी ऊपर उठ गई है। ठीक है, अब मुझे बाइक को रोकना है तो ऐसे, ठीक है, जब मुझे बाइक को रोकना है एक्सीलेटर को छोड़ा एक फ्रंट उंगली से, और ये जो आपको ये जो है थ्रोटल कंट्रोल, आपको आप हिलोगी या आपको जब बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में चलते हो तो आपको ये जो है थ्रोटल कंट्रोल में ये आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा। अगर आपको थ्रोटल कंट्रोल करने नहीं आएगा तो आप क्या होगा, एक्सीडेंटल के कारण ये कारण बन जाएगा। ठीक है, एक बार देखिए आपको, ठीक है, आप स्टार्टिंग में गलती यही करते हो। ठीक है, आपकी है, ठीक है, ऐसे है ब्रेक, तो जब ब्रेक लगानी है ब्रेक तो लगा ली है पर एक्सीलेटर नहीं छूटता इस तरह से, क्योंकि ब्रेक लगा ली है एक्सीलेटर नहीं छूटता। जब भी आपको ब्रेक लगानी है तो एक्सीलेटर को तो छोड़ना पड़ेगा, तो आपको यही ये कोशिश करनी है। ठीक है, जैसे एक्सीलेटर को दिया, ऐसे दिया एक्सीलेटर को तो ब्रेक लगा दी, एक्सीलेटर दिया ब्रेक लगा दी, ऐसे एक्सीलेटर दिया ब्रेक लगा दी, ऐसे एक्सीलेटर दिया ब्रेक लगा दी। तो आई होप गाइज आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें गाइज।